शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में निगम के साथ साथ शहरवासियों का भी योगदान है और संयोग से पूरे शहर के विकास में जहाँ जहाँ अतिक्रमण आया नगर निगम ने उसे तोड़ दिया और यह सही भी है। जब इंदौर स्वच्छता में नंबर वन बना है तो हर क्षेत्र में नंबर वन होना चाहिए, जिसके लिए निगम अतिक्रमण को हटाकर सुंदरता के लिए घरों के बाहर पेवर ब्लॉक लगवा रहे हैं, जिसके लिए निगम ने सभी रहवासियों से चार चार फीट की जगह मांगी और खुशी से किसी ने अपनी गार्डन की जाली खुलवाई तो किसी ने दीवारें, लेकिन सभी ने जगह दी। लेकिन वार्ड क्रमांक 82 के सूर्यनगर में नगर निगम एक घर का अतिक्रमण नहीं हटा पा रही है, क्योंकि वह घर महापौर मालिनी गौड़ के रिश्तेदारों का है और जब भी अधिकारी कार्रवाई करने जाते हैं उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। बिलावली जोन द्वारा नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं टूटा। पूरे शहर का अतिक्रमण ध्वस्त कराने वाली महापौर अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जिसमें महापौर पार्षद एवं जोन अधिकारी क्या कर रहे हैं सुनिए। यहाँ पे ये है कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले जो है एक ब्लॉक लगाने का कार्य चालू हुआ था और उसमें जो है हमें हमारे पार्षद जी के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन मिले थे कि अगर सहमति से या कुछ किसी तरीके से चार चार फीट सभी लोग तोड़ लेते हैं तो सभी लोग मिलके जो है चार चार फीट का जो जगह है उसको तोड़ लें और उसके ऊपर ब्लॉक लगा लेते हैं, जिससे गली जो है चौड़ी हो जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने जो है थोड़े रसूखदार लोग हैं, कुछ महापौर के रिश्तेदार हैं खास, तो वो बताते हैं कि हमारी गहरी रिश्तेदारी है उनसे, तो उन्होंने हमें मना किया है कि आप मत तोड़िएगा, एक इंच भी जगह देने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो हमारा ये कहना है कि भविष्य में कभी ऐसी कोई घटना हुई जिसके अंदर कि अगर आपको ये पता चले कि यहाँ पर कोई आग लग गई, फायर ब्रिगेड अगर अंदर नहीं घुस पाया या कोई बड़ा ट्रक अंदर नहीं आ पाया, तो उसका जवाबदार कौन होगा? मैं तो नगर निगम से पूछना चाहता हूँ ये सवाल कि नगर निगम ये बताए कि इसकी जवाबदारी कौन लेगा। अगर आग लग गई, फायर ब्रिगेड हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया या कोई समस्या और खड़ी हो गई, तो इसकी जवाबदारी लेगा कौन, आप ये बताइए। जी बिल्कुल, नगर निगम में हमने आवेदन दे रखा है कि यहाँ पर बहुत सारा अतिक्रमण किया हुआ है और नगर निगम के द्वारा यहाँ पर जो है नोटिस भी दिए गए, और लेकिन वो नोटिस का कोई भी जवाब जो है वो हमें अभी तक आया नहीं है। और हमें लग रहा है कि शायद ये कार्य जो है लगभग पूर्ण होने जा रहा है, ब्लॉक लग जाएंगे, उसके बाद हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई कितनी कार्रवाई नगर निगम करेगा। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों से बात हुई तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर ऊपर के बड़े अधिकारियों का बहुत प्रेशर है, दबाव है, तो उस दबाव के चलते हम ये कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये फेंसिंग जाली है, इसमें किसी का कोई पर्सनल कुछ भी नहीं टूट रहा है, ना हम किसी के मकान का एक इंच भी टूटवाना चाहते, क्योंकि गाड़ियां निकलती नहीं है वहाँ पे, कम जगह है। राजनीति कर रहे हैं नेता, अपनी राजनीति कर रहे हैं, रिश्तेदारी बता रहे हैं, महापौर की रिश्तेदारी बता रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी चलेगा, हर जगह महापौर की रिश्तेदारी थोड़ी चलती है। हमने भी हटाया, हमने भी तो हटवाया था, हमने अपने हाथ से तोड़वाया, केस लड़ेंगे और क्या होगा। आपने पहले भी आवेदन दिया है? दिया है, दो तीन बार आवेदन दे दिया, उन लोगों को नोटिस मिल गए फिर भी नहीं वो कुछ सुन रहा। गाड़ी अच्छी सुंदर दिखे ना, दोनों तरफ टायर से लग जाए, दोनों साइड गाड़ियां खड़ी रहेगी तो कचरे की गाड़ी कहाँ से आएगी, बच्चों की गाड़ी वैन नहीं आ सकती है, हम कैसे वो करें, आए दिन कचरे की गाड़ी की नागा होती है, तो हम क्या चौराहे पर कचरा डालने जाएंगे? और जीना तो रास्ते में आ ही नहीं रहा, किसी का जीना नहीं आ रहा, ना किसी को नुकसान हो रहा है, सिर्फ बगीचा हटाया जा रहा है, बगीचा नहीं हटा रहे लोग।